तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अभी हम लोग हैं समधा झील पे, जो कि स्थित है कोला गांव में, और कोला गांव स्थित है सुहावल में। बहुत गजब की ठंड लग रही है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बैक कैमरा से अभी दिखाते हैं। आप यहाँ पे टेम्परेचर इस समय लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस होगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरी नाक पूरी लाल हो चुकी है। और अभी आपको झील का व्यू देंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर झील है। तो चलिए आपको देते हैं इसका कुछ सुंदरता भरा व्यू, तो बने रहेगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। बहुत दिन बाद फेस करके वीडियो आ रही है, प्लीज़ उसको एंड तक देखिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ पे पुल बनाया गया है, और सामने पूरी रोड है, ये झील है। तो हम लोग खड़े एकदम पुल के टॉप पर, जैसा कि यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। चारों तरफ इसके पानी ही पानी। अभी देखिए इसके ये पूरा बांध बनाया गया है, और ये देखिए यहाँ पे पूरा मतलब आपको यहाँ पक्षियाँ कितने यहाँ पे पक्षी मिलेंगे आपको, कितनी बर्ड्स, कितनी चिड़ियाँ मिलेंगी, जैसे नॉर्मल शहर में आपको नहीं मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उस जगह पे कितने बर्ड्स, मतलब कितने पक्षियाँ बैठे हैं, ये देखिए सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और नॉर्मल शहर सिटी में तो आपको नहीं दिखाई देखने को मिलेंगी। जानते हैं यार उसका क्या इशू है, किस वजह से नहीं दिखाने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर समझिए टावर्स भी बहुत कम है। ये जितने भी है सब वायरिंग टावर्स हैं, नेटवर्क टावर इधर बहुत कम, तो रेडिएशन यहाँ बहुत कम आता है, इसी वजह से आपको यहाँ पक्षियाँ मिलेंगे। आपको कभी सिटी में अपने कौवे नहीं मिलते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कौवे भी दिखाई देंगे, ये देखिए। चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे से आपको व्यू देते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। पुल पे हम लोग थे, आप इस पुल की बनावट देख सकते हैं, पूरा नीम की लकड़ी से बना हुआ है, और देखिए कैसे इसमें इसको पहले काट के इसमें से फिट कर दिया गया स्क्रू के साथ। आप देख सकते हैं काफी अच्छी टेक्निक लगाई गई है। चलिए चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं, और ये पुल कुछ ऐसे बना हुआ है। तो गाइस ये देखिए इस तरफ भी झील है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। देख रहे हैं यहाँ का जो पूरा बांध है वो बनाया जा रहा है, पूरी रोड को पाटा जा रहा है, एक तरीके से किया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ की पूरी मिट्टी बराबर हो चुकी है, और यहाँ बिल्कुल भी बाइक चलाने लायक नहीं बना है, पर ये बन जाएगा धीरे धीरे। और ये पूरा एरिया जो है पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए बना है। यहाँ पे कूड़ा फेंकना एकदम मना है। अगर ऐसा आप करते आपको पाते हैं तो एक बार फाइन भी लग सकता है काफी अच्छे से। और देखिए पूरा इधर गांव का एरिया हरियाली साइड, और ये पूरा इधर बन रहा है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी तक ये अपडेट, ये जो है पूरा पक्षी विहार बनाया जा रहा है, और यहाँ पे कूड़ा फेंकना एकदम मना है। तो अभी आपने यहाँ का अपडेट देखा, जब ये बन जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। तब तक के लिए वीडियो बने रहिए, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। अभी निकलेगा घर के भी बहुत ज़्यादा हो रही है ठंडी, और ठंडी लगे तो वीडियो कैसे बन पाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।